शुक्रवारे समाचार आव्या के गरबा सिंगर किंजल दवे नी सगाई 5 वर्ष बाद तूटी गई। कारण हतु साटा पद्धति। नवी पेढ़ी ने साटा पद्धति एटले शुं ते जानी ने जरूर नवाई लागशे, परंतु आ वर्षो थी चाली आवती जूनी रीति रिवाज मुजबनी पद्धति छे, जे आजे पण घणाई समाज मा अने गुजरातना केटलाय विस्तारों मा जोवा मळे छे। आ समाज मा दीकरा दीकरीओना लग्न आजे पण साटा पद्धति थी थई रह्या छे। साटा पद्धति वर्षो थी चाली आवती पद्धति छे। सौ प्रथम तो सरल भाषा मा समझिए के साटा पद्धति एटले शुं, जेमा कोई पण एक घर मा भाई बहन होय अने सामे पण भाई बहन उमर लायक होय तो बन्ने ना साम सामे लग्न करवा सामे घरे दीकरी आपवी अने सामे ना घरे थी दीकरी लेवी तेने साटा पद्धति कहे छे, जेमा एक प्रकार फरतो फेर पण होय छे। फरतो फेर एटले उमर लायक काका भत्रीजी होय तो सामे भाई बहन अथवा एवा काका भत्रीजाना साम सामे लग्न थता होय छे। एक घरे भत्रीजी आपवी तो सामेना घरे थी भत्रीजी लेवी। आजे पण अनेक समाजना मेगेजीन आवे छे लग्न ग्रंथिथी जोड़ावू छे, तेमा पण एक लीटीनी लखवामां आवे छे के साटा पद्धति आवकार्य छे। जो के हवे आ प्रकारना रिवाजनुं चलन छे ते थोड़ू घट्युं छे, परंतु आ पाछळनुं मुख्य कारण होय तो अमुक समाजमां दीकरीओनी घट छे। अन्य राज्यमांथी दीकरा दीकरीओने परणावी तेना करता अमुक समाजना लोको सामसामे ज दीकरा दीकरीओनो प्रसंग करी नाखता होय छे। परंतु आ साटा पद्धतिनो जो कोई नकारात्मक मुद्दो होय तो ए छे के एक व्यक्तिने कंई पण तकलीफ थाय तो सामे जेने दीकरी दीधी होय तेनुं पण सगाई के लग्न छे ते कैंसल करी देवाता होय छे, एटले के कुल 3 जिंदगीओना जीवन पर तेनी असर थाय छे। વાત કરીએ કિંજલ દવેની તો 5-1 વર્ષ અગાઉ અખાત્રીજના શુભ મુહૂર્તમાં 18 એપ્રિલના રોજ તેમના બાળપણના મિત્ર અને મનીષ જોશીના પુત્ર પવન જોશી સાથે કિંજલ દવેની સગાઈ થઈ હતી, પરંતુ શુક્રવારે એકાએક તેઓની સગાઈ તૂટવાના સમાચાર વાયુ વેગે પ્રસરી ગયા। એવું કહેવાય છે કે કિંજલ દવે અને તેના ભાઈ આકાશ બંનેના સાટા પદ્ધતિથી સગાઈ કરવામાં આવી હતી, જેમાં કિંજલના ભાઈ આકાશની પવન જોશીની બહેન સાથે સગાઈ કરાઈ હતી, પરંતુ મળતી માહિતી મુજબ પવનની બહેને અન્ય જગ્યાએ કોર્ટ મેરેજ કરી લેતા કિંજલ દવેની પણ સગાઈ તૂટી ગઈ છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, ગુજરાત તક।